जिंदगी एक ऐसी पहेली है जिसके हर सवाल में जवाब और जवाब में सवाल। जो इंसान चाहता है वो नहीं होता, और जो होता है वो इंसान चाहता नहीं। जो नहीं होता वो चाहता है, और जो होता है वो नहीं चाहता। इसी कश्मकश में और इन्हीं सवालों के ताने बानों में हम जिंदा हैं और बस जिंदगी जी रहे हैं। क्या सही है और क्या गलत, ये हमारे एक्शन से ज्यादा हमारी सोच पर निर्भर करती है। क्योंकि एक बार आपकी सोच सीधी चली ना, तो सारी चीजें अपने आप सही होने लगती है। तो हेलो एवरीवन, आप सभी का है मेरे चैनल पर स्वागत, जहाँ पे मेरे के आपका होस्ट और ये रहे मेरे दोस्त। बात करेंगे इस फिल्म के बारे में, तो बिना आपका बर्बाद की शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग। आज मैं बात कर रहा हूँ 2022 में नेटफ्लिक्स के ऊपर पिछले हफ्ते आए हुए एक फिल्म के बारे में, जिसका नाम है जिससे गांड फटेगा। ये सिर्फ नाम का स्टंट है और जर्मन फिल्म के कॉन्सेप्ट को कॉपी किया है। अब ये जर्मन फिल्म का कॉपी है, ये इन लोगों ने फिल्म के शुरुआत में ही बताया है। वेरी गुड, मतलब दे आर ट्रू कि भाई ये हमारे खोपड़े से निकला हुआ नहीं है, इसे किसी और ने खोपड़े लाकर बनाया, हमने तो बस इसे कॉपी किया है, थोड़ा सा इंडियन तड़का लगाया है और इसे बनाया है ताकि लोग तुरंत इसकी निंदा ना करें, क्योंकि बच्चों बच्चों के पास आजकल तो इंटरनेट पड़ा हुआ है। और नाम का स्टंट इसलिए कहा क्योंकि ये दौड़ वक्त के साथ नहीं तो सोच के साथ है। तो फिल्म की कहानी है सावी की, जो एक हारी और टूटी हुई एथलीट है, फिलहाल नैनी का काम करती है और नशेड़ी और गंजेड़ी है, जो गोवा में रहती है 2 साल से अपने जुआरी बॉयफ्रेंड के साथ, जिसने जुए में पैसे लगाकर हारने में पीएचडी हासिल किया है। तो सावी के बर्थडे के दिन सत्य उसे गिफ्ट देना चाहता है, इसलिए वो जाता है अपने बॉस के पास कुछ एडवांस में पैसे मांगने। लेकिन क्योंकि अपने माँ बाप के अलावा आपको इस दुनिया में कोई भी और कुछ भी चीज फ्री नहीं देगा, इसलिए उसे अपने बॉस के लिए कुछ काम करना होता है, और वो इतना आसान काम होता है ठीक जैसे कोई पके हुए खाने को प्लेट में लेकर खाने जैसा। तो एक चीज है जो उसे किसी को जाकर डिलीवर करना है, और जिसे डिलीवर करेगा उससे कुछ पैसे ले आने हैं। कितने? 50 लाख। अबे डीके भोस, डीके अभी खाएगा तुझे पिला। और ये काम करने के लिए उसके पास सिर्फ 70 मिनट है तुम्हारे पास। ये 70 मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता। अब बराबर है, अगर उसने 70 मिनट में अगर पैसे लाकर अपने बॉस को नहीं दिए ना, तो उसका बॉस सीधा लेटा देगा उसको जेम्स के साथ, वो भी अवन में। जेम्स इसे पका कर मस्त गोए में सभी को खिलाएगा, अभी वो इंसानों को या कुत्तों को ये पता नहीं। अब ये काम सत्ता एकदम बराबर करता है, माल देता है पैसे लेता है, लेकिन चूतिया बस में आते वक्त खुशी से यो मान से गांजा लेकर फूंकता है। भाई नशा एक ऐसा नशा होता है जिसके करने से आजू बाजू क्या चल रहा है ना, उसका आता पता नहीं होता। पुलिस ऐसे ही हालत में पुलिस वाले बस में चढ़ते वक्त उसे देख लेते हैं और इस फुकाड़ी को पकड़ने के लिए पीछा करते हैं। अभी वो कैसे वैसे तो उनसे पीछा छुड़ा लेता है, लेकिन उसने छोड़े हुए पैसे बस के साथ छूट जाते हैं और यो मान को मिल जाता है। अभी क्या फोन करके बताता है अपनी गर्लफ्रेंड को। बस ये सुन के अभी सावी मंजे तापसी पन्नू क्या करेगी। 50 लाख 50 मिनट और एक यूजलेस बॉयफ्रेंड की जान मेरे भरोसे, रन सावी रन। तो अपने टूटे हुए घुटने को लेकर दौड़ लगाती है। अभी टूटा हुआ घुटना और सुलगाया हुआ सुट्टा संभाले नहीं संभलते। क्या बात है सर। अभी क्या होगा, 50 लाख ये सारी कहाँ से खड़ा करेगी। अभी एक येड़ी एक भेंडी 200-300 रुपए में गोवा में पूरे दिन के लिए रेंट पे मस्त स्कूटर है मोटरसाइकिल मिलता है, वो लेकर भागने का छोड़ के ये टूटे हुए घुटने के साथ भाग रही है। अभी अक्कल के घुटने में था जो उसके साथ टूट गया, और जाकर उसे उसी टैक्सी में क्यों बैठना होता जिसकी खुद की लगी है। भाई रूट को चेंज करो, दिमाग को चिल कर, और कर्मा का नाम सुना है क्या करके बोलती है और खुद ही उसकी गाड़ी का शीशा तोड़ती है। अगर तूने सुना होता तो ऐसी हरकतें नहीं करती। तो इस फिल्म में सारा खेल है उस 20 मिनट का, इस पैसे का और मरने वाले उसके बॉयफ्रेंड को बचाने का। अब इसी 20 मिनट के लूप में लपेट जाएगी, लूप के लपेटे में फंसी रह जाएगी तू। तो अभी जब आप जाकर ये फिल्म देखोगे तब आप लोग कहोगे कि भाई इसने तो कहा था ये फिल्म समय के ऊपर नहीं सोच के ऊपर है, लेकिन इस फिल्म के अंदर तो समय दिखा रहे हैं। तो इस फिल्म में जो दिखा है क्या वो होना संभव है? नहीं ना, लेकिन इस फिल्म के अंदर उन्होंने एक हिंट भी दिया है। बहुत तेज तेज भाग लिया, अब सीधा और सही भी भागना पड़ेगा। तो इस फिल्म से यही कहना चाहते हैं कि भले आपका वक्त कैसा भी हो, सही सोचो, सारी चीजें सही से जुड़ते जाएंगी और अंत में सब कुछ सही होगा। अच्छा
अच्छा लेकिन भेंडे वो लोग ये भूल गए कि साला ये कलयुग है, आप जितना भी किसी के बारे में कितना भी अच्छा सोचो या करो, वो अच्छे सोचने वाले की जी में डी घुसती है और बुरे सोचने वाले की जीत होती है। आप में यही है बहुमुखी प्रतिभा। इंटरनेट और टेक्नोलॉजी आने की वजह से सभी काम आसान हो रही है और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इस कलयुग में कर्मा का खेल पीछे पड़ रहा है। सही के साथ सही देरी से हो रहा है या फिर अगले जन्म के वेटिंग लिस्ट में जा रहा है। लाइन अच्छी है, लिख लो। इस तेजी से दौड़ते हुए जिंदगी में हमारे धैर्य का परीक्षा लिया जा रहा है और हमने किए हुए अच्छाई और अच्छे कर्म का फल रेस्टोरेंट से ऑर्डर किए हुए खाने जैसे समझ रहे हैं, जो आधे घंटे में हमें मिलना चाहिए, जो ऐसे हो नहीं सकता। तो फिल्म की बात करूं तो फिल्म मुझे 50-50 लगा। 1998 के मूवी को कॉपी करके बनाया है तो ऐसे टाइम के फिल्में बहुत नॉर्मल हो गए हैं। जब वो आया था तभी एक नया कॉन्सेप्ट था, अभी पुराना हो गया बाबा। लेकिन इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, पूरे सेट का डिजाइन, कलर ग्रेडिंग, साउंड इफेक्ट्स, VFX, जिस हिसाब से इंडियन स्टाइल को इन्होंने इसके प्लॉट के अंदर सेट किया है, बहुत ही बढ़िया है। और ऐसे लगता है डायरेक्टर और सिनेमेटोग्राफर ने अपना पूरा कला और सोच इस फिल्म के अंदर डाल दिया है। और उसी के साथ सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है एडिटर को, क्या जबरदस्त एडिटिंग किया है भाई। फिल्म देखते देखते मिर्गी आनी बाकी थी। और एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट है, इंसानी खोपड़े को सुन करने का बहुत ही अच्छा बंदोबस्त किया है डायरेक्टर और एडिटर ने। और ये जो बोल रहा हूँ ना, ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, जाओ ये फिल्म देखो तभी आपको समझ में आएगा। तो कहा, मुझे ऐसे लग रहा था कि भाई अपने इंडियन लोगों ने कुछ अच्छा और इनोवेटिव किया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जर्मन फिल्म में भी वैसे कुछ था, उसी को ही थोड़ा इलेबोरेट करके इन्होंने अपने इंडियन फिल्म में ऐसा बना के डाल दिया। लेकिन नॉट बैड, एवरीवन इज इन लर्निंग स्टेज, तो चलता है। पर इतना ज्यादा एडिटिंग किया है कि कुछ समय के बाद फिल्म सर दर्द करने लगता है। और जो जर्मन फिल्म में मिसिंग था वो है गोवा का सीन और गानों का थीम। गाने अच्छे है इस फिल्म के अंदर, एक्टिंग मुझे एवरेज लगी, कुछ खास आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, सिवाय इस जूलिया के। आयचा गावा साला कार्तिक आर्यन को भी तोड़ दे दिया इसने। तो अगर आप एक एक्टर है और खास करके लड़कियां अगर मेरी व्लॉग देख रही है तो आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त मोनोव्लॉग इस फिल्म के अंदर है। कॉमेडी टाइमिंग भाई ओके है, इतना कुछ खास नहीं है, कास्टिंग अच्छी हुई है उसमें कोई शंका नहीं। अभी फिल्म 3 बार रिपीट होती है क्योंकि एक लूप में लपेट गई है, जिसके वजह से बार बार वही देखने में बोर होता है। तो रेटिंग की बात करो तो ये फिल्म नेटफ्लिक्स प्रोडक्शन का है, तो उन्होंने रेट किया है TVMA, यानी कि R ही समझ लो। तो ये फिल्म बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं, और बड़ों के साथ भी बैठ के बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि घंटे का समझ में आएगा उन लोगों को, लेकिन पूरा फैमिली साथ में बैठ के आराम से कंफर्टेबल कॉन्फिडेंटली इस फिल्म का लुक उठा सकते हैं। ये फिल्म हिंदी के अलावा और कौन से लैंग्वेज में अवेलेबल है ये आप स्क्रीन पर आ ही रहा है। और ये फिल्म विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंडली फिल्म भी है, तो अगर आपको 2 घंटे का एक कॉमेडी एक्शन फिल्म देखने का मन कर रहा है तो ये फिल्म 1 टाइम वॉच है, जो आप लोगों को मैं 100% रेकमेंड करूंगा। 2 घंटे का यह फिल्म बहुत ही बड़ा हो जाता है, बहुत सारे अनवांटेड फिलर से अगर जैसे निकाल दिए तो यह फिल्म बहुत ही छोटा हो जाएगा। मुझे पर्सनली फिल्म इतना कुछ खास और अच्छा नहीं लगा, लेकिन जनरल पब्लिक को यह पसंद आ सकता है, लेकिन सभी को नहीं, क्योंकि यह फिल्म थोड़ा सा अलग कंसेप्ट से बनाया हुआ है जिसे झेलना थोड़ा सा कठिन हो सकता है। और इस फिल्म में जिस प्रकार से भाषा का उपयोग किया है वो सभी लोग हजम नहीं कर पाएंगे। आपके अपने जिंदगी में लिए हुए चॉइसेस आपको कैसे असर करती है और उनका आउटकम कैसे आता है, इसका एक एग्जांपल आपको इस फिल्म में देखने के लिए मिलेगा। और कुछ नया और अच्छा एक्सपेरिमेंट किया है सिनेमेटोग्राफी के साथ, और जिस हिसाब से जो एक्चुअल लुक दिखाया है इस फिल्म के अंदर वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ दिखाते तो और मजा आता। तो ऐसा लगता है कि पिक्चर खत्म हो गया लेकिन हम लोगों को हवा में लटका दिया। तो जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे सवालों में ही जवाब है और जवाबों में सवाल, बस उसी को समझने की देरी है। अगर उसे समझ लिया तो इस पृथ्वी पर हम ही अंतर्यामी। मेरी समझ से बाहर है। ये फिल्म बहुत लंबा है इसलिए मैं इसे वीकेंड में ही देखने के लिए रेकमेंड करूंगा, वीकडे में मत देखो क्योंकि आपका सर जम जाएगा। तो अगर आप ये फिल्म देखते हो तो आपको ये फिल्म कैसे लगता है, इस बुड्ढे की क्या खासियत और मेरा व्लॉग आप लोगों को कैसे लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आप लोगों का बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि आप आपके कीमती समय में से थोड़ा सा वक्त निकालकर मेरा ये छोटा सा व्लॉग देखते हो। तो बस आज के लिए इस व्लॉग में इतना ही। और कभी भी भागने के लिए जाओगे तो याद रखना बिना लेस के जूते पहनना या फिर लेस को कस के बांधना, क्योंकि घुटना, कंधा या कमर कभी भी कहीं पे भी टूट सकता है। अगर आपको चाहे व्लॉग कंटेंट पसंद आता है तो उसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करो, घंटे का दबाने का तुरंत वो ऑल बटन दबाने का, ताकि जब भी नए नए व्लॉग्स आएंगे उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या फिर दूसरे व्लॉग्स में देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पे या फिर एंड स्क्रीन में उसके लिंक्स आ रहे हैं, आप वहां पे भी जाकर देख सकते हो। तो आपसे फिर मुलाकात होगी मेरे दूसरे ब्लॉग पे। टिल देन टेंशन लेने का नहीं, माँ बाप को परेशान करने का नहीं, बाजली को बेवजह छेड़ने का नहीं, सब्सक्राइब किए बिना जाने का क्या। बाय।